हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद है सभी लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल, बहुत ही इजी और बहुत ही ज़्यादा डिसेंट सी डिज़ाइन मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। ये डिज़ाइन बहुत ही प्रेटी है और बहुत आसान है बनाने में। ये दो फंदों में और टोटल दो ही सलाइयों की डिज़ाइन है, उसी को बार बार हमें रिपीट करना है। तो ये डिज़ाइन चलिए बनाना शुरू करते हैं। जो जो फंदे हम सिलाई पे डालेंगे वो दो के मल्टीपल से फंदे डालेंगे। और ये देखिए, ये ज़ूम करने के बाद ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से दिखाई देती है। तो सिलाई पे मैंने फंदे डाल के इसमें दो सिलाइयाँ बना रखी है। डिज़ाइन हमारी उल्टी तरफ से स्टार्ट होगी। सबसे पहले हम उल्टी साइड से पूरी सिलाई के फंदे सीधे सीधे बना लेंगे। तो सारे फंदे हम सीधे बुन लेंगे। ये हमारी पहली रो है। तो सारे फंदे हम सीधा बना लेंगे। उसके बाद सेकेंड रो जो हमारी सीधी साइड में आएगी उसी में हमें डिज़ाइन बनानी है। तो ये सिलाई हमारी पूरी हो गई। अब सीधी तरफ हम आए दूसरी रो पे। अब आपको ध्यान से देखना है कि हमें डिज़ाइन कैसे क्या करना है। तो पहला फंदा तो एज स्टिच का, इसे हम स्लिप कर लेंगे, उतार लेते हैं। और पहला फंदा हम सीधा सामने की तरफ सीधा बुन लेते हैं। फिर दूसरा फंदा एक फंदे के नीचे से उल्टा जो है उसके नीचे से नीडल डालेंगे और उसको सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह से हमारा एक सिलाई का फंदा खुल जाएगा। फिर अगला फंदा फिर से हम सीधा बुनेंगे। फिर इसके बाद का फंदा दूसरा जो है उसको उल्टे के नीचे से अंदर से निडल डाल के बुनेंगे। इसी को बार बार रिपीट करना है। दो, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टे के नीचे से दूसरे फंदे के अंदर से निडल डाल के। दो ही फंदे की डिज़ाइन है, एक सीधा और एक ये नीचे, एक उल्टा फंदा जो है इसके अंदर नीडल डालेंगे, इसके अंदर इस तरह से। तो ये इस तरह से ये हमारी एक सिलाई जो हमारी उल्टी है वो खुल जाएगी। एक सिलाई हमारी बुनी, एक सिलाई ऊपर से और एक सिलाई अंदर से, तो एक सिलाई हमारी खुलती चली जाएगी। इसी को बार बार हमें रिपीट करना है। एक सीधा ऊपर से, फिर एक उल्टे के नीचे से, एक सीधा, फिर एक फंदा एक फंदे के नीचे से। इसी को बार बार रिपीट करेंगे। तो आपने देख लिया कितनी आसान सी डिज़ाइन है। अब ये दो सिलाई इस तरह से रहेगी। फिर अगली दो सिलाई हमारी जगह शिफ्ट हो जाएगी फंदों की। तो यही चार सिलाइयाँ की डिज़ाइन हमारी रहेगी। तो ये हम इस तरह से लास्ट में ये हमने पूरा बुन लिया। तो ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई। दूसरी सिलाई ये थी हमारी। अब तीसरी सिलाई हमारी, थर्ड रो, फिर से सारे फंदे हम सीधे सीधे बना लेंगे। सारे फंदे हम सीधे बुन लेंगे। नीट ऑल द स्टिचेस। सारे फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब हम चौथी सिलाई पे राइट साइड पे आ गए हैं।
तो अब हमें देखिए, आपको ध्यान से देखना है, इस बार हमारी फंदों की जगह शिफ्ट होगी, बनाना सेम है लेकिन हमारी जगह बदलेगी। तो आप देखिए, पहला फंदा हमने स्लिप किया था तो इसे यार हमें स्लिप कर लेना है, लेकिन दूसरा फंदा हमने लास्ट बार बुना था, इस बार हम बुनेंगे सामने ऊपर से बुना था, तो इस बार हम उसको अंदर से बुनेंगे, उल्टे के अंदर से इस तरह से। फिर फंदा ऊपर से सीधा बुन लिया, फिर इस बार हमें अंदर से बुनना है, दूसरे फंदे से, दूसरी सिलाई से एक फंदा सीधा, फिर दूसरा जो हम बुनेंगे दूसरी सिलाई के अंदर से, उल्टे के अंदर से ये नीडल डाल के बुनेंगे। बनाना वही है लेकिन हमारा इस बार फंदा हमारा चेंज हो गया है, वही दो फंदे हमारे चेंज हुए हैं, जो हमने अंदर से बुना था उसे ऊपर से बुनेंगे, और जो ऊपर से बुना था उसे अंदर से बुनेंगे। तो जो हम एक फंदे एक सिलाई के अंदर से बुन रहे हैं, तो वो फंदा खुल जा रहा है, तो ये देखिए इसे अंदर से बुना तो ये फंदा एक सिलाई हमारी खुल गई, फिर एक फंदा हमने बुन लिया, फिर से हमने एक सिलाई अंदर से हमने नीडल डाल के बुना, तो इस तरह से ये सारे फंदे हम बुन लेंगे। तो ये हमारी चार सिलाइयों की यही डिज़ाइन है, हमें इसी चार इन्हीं चार सिलाइयों को बार बार रिपीट करना रहेगा और हमारी डिज़ाइन आगे बढ़ेगी। देखिए हमारी डिज़ाइन क्लियर भी होने लगी है इतने चार सिलाइयों में। तो अब पांचवी सिलाई हमारी, फिर से सारे फंदे हमें सीधे सीधे बना लेने हैं, यानी टॉल दे स्टिचेस, तो सारे फंदे हम फिर से सीधे बुन लेंगे पांचवी सिलाई के। इसके बाद पांच और छह दो सिलाइयाँ मैं और बनाऊंगी, ताकि आपको कोई भी तरह का डाउट ना रहे। तो ये सारे फंदे हमारे सीधे बुन लिए गए। अब छठवीं सिलाई पे हम आ गए हैं सीधी साइड, तो जो हमने सेकेंड रो में बनाया था वही सेम हमें रिपीट करना है। सेकेंड रो में जो फंदे जैसे बनाए थे उसी तरह बनाएंगे, तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, इसके बाद एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, फिर अगला फंदा एक सिलाई नीचे से फंदा डाल के बुनेंगे, फिर एक फंदा सीधा, फिर एक अगला फंदा हम उल्टे के अंदर से एक सिलाई नीचे से डाल के बुनेंगे, फिर सीधा बुन लिया, फिर से अगला फंदा एक सिलाई नीचे से उल्टे के अंदर से बुनेंगे। तो इसी को हमें फिर से बार बार रिपीट करना है, सारे फंदे हमें हर बार यही करना है, लेकिन हमारे बार सिलाई हमारी फंदे चेंज होंगे चार सिलाइयों में। तो जो हमने सेकेंड रो में बनाया था उसी को हमें बना रहे हैं, हम इसे रिपीट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया कि ये कितनी आसान सी डिज़ाइन है और देखने में भी बहुत ही खूबसूरत है, सेल्फ की डिज़ाइन है, सेल्फ डिज़ाइन बहुत अच्छी लगती है, ऑल ओवर में इसे बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये एक फंदा देखिए सीधा, एक फंदा एक सिलाई के अंदर से नीचे से उल्टे के अंदर से बुनेंगे, तो इस तरह से ये हमने सारे फंदे बना लिए। जब हम एक सिलाई के अंदर से बनाते हैं तो हमारा फंदा एक सिलाई का फंदा हमारा खुल जाता है। तो आप देखिए ये हमारी डिज़ाइन इस तरह से एक खुल दिख रही है, बहुत ही अच्छी सी है, बिल्कुल साबुदाने जैसी डिज़ाइन दिख रही है। तो जब हम ज़्यादा सी बनाएंगे तो ये हमारी डिज़ाइन इस तरह से दिखाई देगी।
तो आपने देख लिया कि ये कितनी खूबसूरत सी डिज़ाइन है। आप इसे अपने किसी भी तरह के प्रोजेक्ट पे बना सकते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे सभी बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। ये लेडीज़ प्रोजेक्ट में भी डाल सकते हैं ये डिज़ाइन का, बहुत का बेनिफिट ये है कि ये लेडीज़ प्रोजेक्ट में भी बन सकती है, जेंट्स प्रोजेक्ट में भी, और बच्चों के स्वेटर में भी, सभी तरह के स्वेटर में डाल सकते हैं, स्कार्फ वगैरह में भी बना सकते हैं, शॉल स्टॉल में भी बना सकते हैं। तो इसको जेंट्स स्वेटर में भी डालेंगे, जेंट्स पुलोवर वगैरह में, तो बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। तो आई होप कि आपको डिज़ाइन पसंद आई होगी और समझ में भी आ गई होगी कि इसे कैसे बनाना है। तो दोस्तों अब मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर किसी नई डिज़ाइन के साथ आप लोगों से फिर से मिलूँगी। आप लोगों का मेरा वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग नए कोई भी नया हो जो मेरा वीडियो देख रहा है और उसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि मैं इसको नोटिफिकेशन वगैरह मिलती रहे, तो आप कोई भी अपडेट हो आपको मिल जाए। और आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल पे विज़िट करते रहें, मेरे वीडियो को देखते रहें, मुझे कोऑपरेट करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, शुक्रिया बहुत।